राम राम आप सभी को। जय माता की। श्री गुरुदेव महाराज जी और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री माँ महाराज जी की कृपा हम लोगों पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज जो माँ का जिस रूप का हम लोग दर्शन करते हैं, उस रूप को माँ का हम स्कंद माता कहते हैं। स्कंद का अर्थ दो तरीके से हम लोग लेते हैं। एक तो स्कंद जो है हम कार्तिकेय जी को भी कहते हैं माता सती के रूप में, और भगवान शिव के शंकर जी के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी को माना जाता है, तो स्कंद हम कार्तिकेय जी को भी कहते हैं। और माता कहा जाता है कि स्कंद माता ने उनकी देवी की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा जो शिव के साथ मेल हुआ है, उनका जो मेल हुआ उसके द्वारा स्कंद यानी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनकी जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है या पराशक्ति जो भी है, तो उन तीनों शक्तियों के मेल से और भगवान शिव के मेल से जो जन्म हुआ वो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। इसे हम अगर पृथ्वी के विकास में देखें पांचवा दिन, जो कि अरबों साल बाद ये हुआ कि पहले चौथे दिन में कहना चाहिए कि चौथा दिन ब्रह्मा का जो करोड़ों साल का है, तो उसमें एक अंडज की उत्पत्ति हुई, अंडे की उत्पत्ति हुई, और उस अंडे से जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो स्कंद कहते हैं उछलने कूदने वाले, गिरने वाले, सरकने वाले, रेंगने वाले। ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो उछलने कूदते सरकते, मतलब चलने की क्रिया नहीं, तैरने की, उड़ने की, या इस तरीके की क्रिया थी कि वो दोनों जगह पर सरीसृप भर के जो प्राणी होते हैं उनके विकास की यहाँ पर बात आती है। और उनका विकास जो है वो कहना चाहिए कि दोनों तरीके से, कि वो उभयचर भी थे और जलचर भी थे। उससे पहले जो जितने भी जीवों की बात हुई है वो एक अंडे से उत्पन्न जीवों की बात हुई है, वो सिर्फ जमीन पर नहीं थे, जो सिर्फ किसी के गर्भ से उत्पन्न थे। गर्भ का मतलब है कि वो ऐसी जगह थे कि किसी के अंदर थे। और यहाँ पर जो बात आई है वो ये है कि वो जो नए जीवों की उत्पत्ति हुई है वो उन जीवों की उत्पत्ति हुई है जो सरकने या चलने वाले थे, रेंगने वाले। तो माँ की पांचवा दिन जो है वो हम इसी रूप में मनाते हैं। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ यानी उस जीव की माँ के रूप में जो चलते फिरते सरकते थे या सरीसृप भर के माना जाता है। देवी की जब हम उपासना करते हैं स्कंद माता की, तो स्कंद माता को जो दिखाया गया है वो चार हाथों में दिखाया गया है, चतुर्हस्त, यानी उनके चार हाथ, एक में दो में कमल के फूल, एक में पुत्र और दूसरे में अभय वरदान देते हुए माँ को दिखाया गया है। सिंह पर सवार हैं और इनका जो मंत्र है वो ओम देवी स्कंद माताय। माँ स्कंद माता का जो पांचवा दिन है और जो पांचवा स्कंद माता का रूप है, उस रूप में ही आप देखेंगे कि उसमें माँ पद्मासन पर विराजमान है, कहीं कहीं कमल पर भी हैं और कहीं कहीं अपने वाहन सिंह पर भी हैं। इसमें इस स्वरूप में माँ का वाहन जो सिंह है और आसन पद्मासन है, और इस रूप में माँ के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस रूप में माँ का जो रूप दिखाया है वो वात्सल्य से भरा है। माँ जो हैं वो स्कंद यानी कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए हैं, और कार्तिकेय जी की जो उत्पत्ति बताई गई है
वो तीनों शक्तियों से, जिसमें इच्छा शक्ति, देवी की इच्छा शक्ति, देवी की ज्ञान की शक्ति और देवी की क्रिया शक्ति, तीनों चीज़ों को जब शिव के साथ जोड़ा गया है तब कार्तिकेय जी का निर्माण हुआ है। साथ ही इसमें इस रूप में ये पावर है, माँ के इस पांचवें दिन की स्तुति में ये पावर है कि व्यक्ति माँ की जब स्तुति इस रूप की करता है तो उसके अंदर ज्ञान और क्रिया शक्ति दोनों का विकास होता है। यानी अगर हम पृथ्वी के सृजन में इसकी भूमिका देखें तो हमें साफ तौर पे समझ में आएगा कि इस पांचवें पायदान पे जो भी जीव पैदा हुए हैं पृथ्वी में करोड़ों साल पहले, जो भी जीव पैदा हुए थे उनके अंदर क्रिया करने की पावर उत्पन्न हुई, यानी अपने आप को डेवलप करने की पावर उत्पन्न हुई, और दूसरी पावर उत्पन्न हुई ज्ञान की। क्योंकि सरीसृप वर्ग जो होता है उसके अंदर आप चाहे सांप को ले लें, चाहे काफ़ी सरीसृप वर्ग के जीव हैं जिन्हें भी सर्प को मुख्य भूमिका में हम सर्प को मानते हैं कि सर्प जो है हमेशा से है और सरीसृप वर्ग का एक बड़ा प्राणी है, समझदार है, तो हम सर्प को लेते हैं। तो सर्प ऐसी हजारों जगहों पर है, भगवान शिव के गले में भी है, कई जगह माँ के हाथ में भी देखा जाता है और शेषनाग में भी आप सर्प को ही देखते हैं। तो सर्प एक ऐसा प्राणी है जो जीवन के शुरुआत से है, स्टार्टिंग से है, वो क्रियाशील भी है और वो ज्ञानवान भी है। तो माँ के इस रूप को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्कंद माता का जो मुख्य कार्य है वो जीवन को सुख शांति देना। सुख शांति कैसे आएगी? सुख शांति माँ सिर्फ एक ही तरीके से दे सकती है, जब आपकी कार्य करने की क्षमता का विकास करें और जब आपके ज्ञान को बढ़ाएं। तो जब आपका ज्ञान और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तो माँ स्वतः ही आपको ये चीज़ें प्रदान कर देती है। तो माँ का पांचवा स्वरूप जो है पृथ्वी के विकास या हमारे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रूप में पांचवें दिन जब हम माँ की आराधना पूजन करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान और कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। माँ के इस रूप का पूजन करने का बड़ा ही अनोखा फल ही है, जो आप फल चढ़ाते हैं माँ को पूजन में, तो वो फल की जगह आज के दिन माँ स्कंद माता को केले अर्पित किए जाते हैं। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि केला एक ऐसा फल है कि किसी भी जीव को, कोई भी जीव हो, आप आराम से अगर वो छोटा है या वो मतलब बिल्कुल छोटा अबोध है या वो थोड़ा विकसित है या वो बुजुर्ग है, तो केला कोई भी खा सकता है, एक केले की बात सल्यता है। तो माँ का ये रूप जो है और माँ के पूजन का जो फल है वो इतना बात्सल्य से भरा हुआ है कि आप इन दोनों चीज़ों में समानता है वो ये समझ सकते हैं कि ये छोटे से बड़े के लिए सृष्टि के आरंभ से अंत तक ये चीज़ें हमेशा से हैं और रहेंगी। यही बताता है कि कहीं न कहीं ये हमारे ऋषियों द्वारा छिपाए हुए ये संकेत हैं जो ये बताते हैं कि अगर इन संकेतों को जान लेंगे तो हम सृष्टि के नियमों को भी जान लेंगे। भारत में जो अपने वेद हैं, अपने शास्त्र हैं, उनमें सारी वैज्ञानिक चीज़ें छिपी हुई हैं। लोग कहते हैं कि विदेशों में या नासा ने या बाहरी वैज्ञानिकों ने ये सब किया, वो सब इसलिए कर पाए क्योंकि 1600 ईस्वी के बाद जब भारत की खोज हुई उसके बाद ही ये सब चीज़ें सामने आई। उससे पहले बहुत कम वैज्ञानिक हुए, बहुत कम आविष्कार हुए, जितने भी आविष्कार हुए वो 1600 के बाद ही ज़्यादातर हुए हैं जब अंग्रेज भारत आए, इसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पर आईं। या फिर बात करते हैं अगर पाषाण युग और ये अभी के वर्तमान काल के बीच की, तो 5,000, 7,000, 10,000 साल के बीच में जो गैप हुआ है उस समय भारत की जो विकसित सभ्यता थी वो सभ्यता बताती है कि भारत कितना वैभवशाली रहा था।
चंद्रगुप्त मौर्य तक के समय तक भारत का वैभव समझ में आता है कि कितना वैभवशाली था। लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करते हैं कि ये विज्ञान ने ये खोजा, वो खोजा, इस वैज्ञानिक, तो इन सारे वैज्ञानिकों ने जो भी खोजा वो 1600 ईस्वी के बाद ही खोजा है, तभी कुछ नहीं खोजा। और वो तभी खोजा है जब वो भारत में घोषणा करा देंगे। तो हमारे जो वेद हैं, जो हमारी शास्त्र हैं, इनमें जो चीज़ें दी गई हैं उनमें बहुत छोटे छोटे संकेत छुपे हुए हैं। अगर हम उन संकेतों को जानते हैं, समझेंगे, तो अपना और अपने पूरे जीवन का विकास स्वतः ही कर। इसके साथ ही आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, राम राम, आभार, जय माता।